2023 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत से लेकर अब तक लगातार हम सुबह 5:30 बजे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो के हाल है। मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी सरकार बना रही हैं। और अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान कर दिया है, सचिन पायलट पहुंचे थे मतदान करने के लिए, तमाम दिग्गज नेता लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गौरव वल्लभ ने उदयपुर में मतदान किया है, प्रताप सिंह खाचरेवास ने जयपुर से मतदान किया है। और वही बात कर ले तो बिजेंद्र सिंह ओला ने झुंझुनू में मतदान किया है। आ जाते हैं, महेंद्र जीत सिंह मालविया ने भी भवनपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया। ये तमाम दिग्गजों के नाम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अभी तक सुबह 11 बजे तक मतदान का प्रयोग कर दिया है। और वैसे भी सुबह 5:30 बजे से News 18 राजस्थान लगातार 199 सीटों पर राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रही है उसकी लगातार कवरेज दिखा रही है। हर एक जिले में हर एक जगह पे न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर्स पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच में बड़ी खबर भी आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी प्रत्याशी जो कि झाला पाटन से है, वही राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि बीजेपी प्रत्याशी है झोटपाड़ा से, दिया कुमारी बीजेपी प्रत्याशी है विद्याधर नगर से जयपुर, और बाबा बालकनाथ की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी है तिजारा से सतीश पुनिया, बीजेपी प्रत्याशी है आमेर से कैलाश चंद चौधरी, बीजेपी सांसद है। इन तमाम दिग्गजों ने इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर वो उतरे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और ये तमाम लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे भी और मतदान करने की वो तस्वीरें भी आप तक न्यूज 18 राजस्थान ने पहुंचाई है ममता। बिल्कुल, और वोट पर्सन भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक वोट पर्सन निकलकर सामने आ रहा है और दिग्गजों ने वोट डाले हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत की पहली तस्वीर है जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जो आपको बता दें। और दूसरी तस्वीर सचिन पायलट की आपको दिखा रहे हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे जयपुर में, उन्होंने मतदान किया है। तीसरी तस्वीर गौरव वल्लभ की आपको दिखा रहे हैं, वो भी अपना वोट डालने के लिए उदयपुर में पहुंचे थे, उदयपुर में उन्होंने मतदान किया था। तीसरी तस्वीर हम चौथी तस्वीर प्रताप सिंह खाचरवास की है, जयपुर में वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज नेता वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। हम तस्वीरें आपको ताजी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। झुंझुनू से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जितेंद्र सिंह वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। भरतपुर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर महेंद्र जीत सिंह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो आज सुबह सवेरे अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। और इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा है, तमाम दिग्गज मैदान में हैं और आज सुबह से वोट डालने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, अपनी सरकार को चुनने के लिए अपनी बड़ी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है श्रुति, सारे राजस्थान के मतदाताओं के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़े कवरेज, सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़ी कवरेज, 199 सीट और 199 रिपोर्टर इस बार मैदान में है। और राज्यपाल कलराज मिश्र की तस्वीर श्रुति हम आप दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, राज्यपाल की ये तस्वीर, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बीमा कर दिया, हम जानते हैं कि सबके काम 50 लाख और पड़ते नहीं है, पर सिक्योरिटी मिल गई सबको, 50 लाख तक इलाज कराना पड़ेगा। कैंसर में कई बीमारी ऐसी है, 2-3 लाख खर्च होता प्रति माह, आराम हुए लोगों को। तो आपको सर, आपको लगता है जो राइट टू हेल्थ है ये बहुत बड़ा हथियार है वो पब्लिक को मदद पहुंचाने का? हथियार बन गया राजस्थान के, हथियार बन गया राजस्थान के अंदर, और नेशनली भी इसको आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इम्प्लीमेंट हो चुका है, देखा नहीं अभी हमने लाभ मिला, लाभार्थी था ये। चलो तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और
राज्यपाल कलराज मिश्र की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट भी कास्ट कर रहे हैं। मीडिया कर्मी बाहर है, वोट कास्ट कर बाहर भी निकलेंगे, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र से सीधे जयपुर से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। 199 सीटों पर सबसे बड़ी मेगा कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। और इधर महामुकाबला भी ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए, सरदारपुरा सीट पर जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और वही टोंक सीट पर सचिन पायलट, तो उनके सामने अजीत सिंह मेहता इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इसके पहले जयपुर से सीधे तस्वीरें राज्यपाल कलराज मिश्र की, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे हुए हैं। अब आपको वो भी बता रहे हैं कि वोट सेल्फी, क्योंकि इस बार न्यूज 18 राजस्थान जैसे नई टेक्नोलॉजी वैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाहर निकले अपने घरों से, इसलिए वोटिंग शांति धारीवाल की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा से सीधे तस्वीरें शांति धारीवाल की, शांति धारीवाल का जब नाम आता है तो वो भी देखना चाहिए कि कांग्रेस ने आखिरी लिस्ट में शांति धारीवाल को टिकट दिया। पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 लिस्ट में कहीं पर नाम नहीं था, लेकिन शांति धारीवाल को सीधे सीट दिया गया। और कोटा से तस्वीरें जब नामांकन दाखिल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए शांति धारीवाल की, वो सीधे तस्वीरें आपको हम कोटा से ममता बता रहे हैं। बिल्कुल, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं शांति धारीवाल। ये सीट जो है वो अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि आखिर में जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धारीवाल को टिकट दिया गया। पहले बहुत बैठकें हुई लेकिन उन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला, और उसके बाद आखिरकार धारीवाल का टिकट नहीं कटा, उन्हें टिकट दिया गया है। ऐसे में बड़ी चुनौती उनके सामने होगी कि इस बार किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदाता कोई छूटने न पाए, सभी लोग निर्भीक होकर मतदान में भाग लें। सभी मतदाताओं से अपील है, उनसे विशेष आग्रह है, क्योंकि मतदान का विशेष महत्व है, लोकतंत्र में यही सर्वोच्च है, और इसलिए इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। मेरी पुनः प्रदेश की जनता से किसान पूर्ण ढंग से दो करोड़ युवा मतदाता है, गवर्नर साहब किस तरह से युवाओं से अपील, सभी से नौजवानों से भी, माताओं बहनों से भी, सभी वर्ग के लोगों से भी सबसे अपील है। देखिए, सभी से अपील है, यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से कहा गया है कि सभी से अपील है, माताओं बहनों बुजुर्गों सभी से अपील है कि वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। ये अपील यहाँ से साफ तौर पर कलराज मिश्र राज्यपाल की तरफ से की गई है। कोटा से हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं जहाँ पर धारीवाल अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बार बड़ी दाव कोटा उत्तर से प्रत्याशी इस वक्त अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। मीडियाकर्मी इस वक्त बाहर रहते हैं और अपना वोट डालने के बाद यहां से बाहर आकर वो क्या कहते हैं इस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि सभी प्रत्याशी लगातार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के हो। कांग्रेस इस वक्त कह रही है कि 5 साल में हमने जो काम किया है उसकी बदौलत हम सत्ता में वापस आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, वो जो सालों से चला आ रहा रिवाज है उस पर वो विश्वास कर रहे हैं कि 5 साल बाद फिर से सत्ता बदलेगी। अब इस बार देखना होगा कि क्या जादू चलता है, क्या वो जो सालों से चला आ रहा इतिहास है वही एक बार फिर दोहराता है, या फिर इस बार कांग्रेस ने जो काम किया है उसकी बदौलत उन्हें वोट मिलते हैं। श्रुति, बिल्कुल, तो कोटा उत्तर से प्रत्याशी है शांति धारीवाल। ये तस्वीरें आपको नामांकन केंद्र के अंदर की दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद शांति धारीवाल जब निकलेंगे वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि शांति धारीवाल लकी है क्योंकि महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को टिकट नहीं दिया गया, करीबी माने जाते हैं ये तीनों लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, लेकिन शांति धारीवाल को लास्ट टाइम में टिकट दिया गया। हालांकि जिस तरह से देखा जाए महेश जोशी के समर्थक बैठे हुए थे पीसीसी वॉर रूम के सामने, जिस तरह से वो होर्डिंग तख्तियां पकड़े हुए थे और कह रहे थे कि महेश जोशी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन उसी तरह शांति धारीवाल का इस तरह कोई भी रुख इख्तियार नहीं किया गया था, वो शांत थे और शायद उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल ही जाएगा। तो लास्ट टाइम में जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की उसमें शांति धारीवाल का नाम था, कोटा उत्तर से प्रत्याशी
के तौर पर चुनावी मैदान में है। एक टफ चैलेंज भी है उनके सामने, क्योंकि लास्ट टाइम टिकट मिला भरोसा जताते हुए कि क्या उस भरोसे को कायम भी रख पाएंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कहां कितनी वोट है और किन हॉट सीटों पर इस बार टफ मुकाबला है। तो महामुकाबला जहां होने वाला है कोलायत से देख लीजिए, अंशुमान सिंह भाटी है और साथ ही भंवर सिंह भाटी कांग्रेस से, दोनों एक दूसरे को टफ फाइट देते हुए इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। शांति धारीवाल की इस बीच में आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वोट सेल्फी भी हम बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, मताधिकार का प्रयोग किया है, वो इन नंबर पर अपने व्हाट्सएप इमेज भेज रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान लगातार उनको प्रमुखता से दिखा भी रहा है। ये एक अपील भी है, संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो आप एक मौका 5 साल के बाद जो आता है उसको खो देंगे। शांति धारीवाल वोट कास्ट करने के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं। महामुकाबला आपको डागर सीट से देते हैं। वाजिब अली कांग्रेस की तरफ से है इस बार चुनावी मैदान में और वहीं जवाहर सिंह बेढम भी बीजेपी से प्रत्याशी है जो कि चुनावी मैदान में है। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोटा में शांति धारीवाल ने वोट डाला, कोटा उत्तर से इस बार चुनावी मैदान में है शांति धारीवाल। कोटा में शांति धारीवाल ने वोट डाला। मीडिया से क्या कुछ वो रूबरू होते हैं, मीडिया की तरफ से क्या सवाल दागे जाते हैं, कुछ सेकंड में आपको वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से ही हमने वो तमाम, चाहे वो सचिन पायलट हो, सीएम अशोक गहलोत जब अपने बहन के घर पहुंचे उनका आशीर्वाद दिया, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही हमने आपको वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ताकि वो अच्छी नीतियां बना करके जो है देश की देश के लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, विकास के काम कराए, ये एक्सपेक्टेशन जो लोगों में होता है, तो उसका तरीका यही है कि इस प्रकार की वोटिंग करवा करके मतदाता को अधिकार दे करके, ये कांग्रेस ही थी जिसने ये अधिकार दिया। सबसे पहला जो चुनाव हुआ 1952 में, उसमें आपको हर व्यक्ति को अधिकार दिया, जो भी 18 25 पहले तो शायद 21 था, बाद में 18 हो गया, 18 साल के ऊपर के लड़के को, लड़के या लड़की को जो है वो वोटिंग का राइट दिया, इससे लोकतंत्र मजबूत हो। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, 5 साल में एक बार आता है, लेकिन आदमी 5 साल की सेवाएं देख करके जो है वो अपने आदमी को चुनता है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है। क्या लगता है सब, कैसे परिणाम रहने वाले हैं कांग्रेस को लेकर, किस तरीके से रुझान रहने वाले हैं? कांग्रेस की सरकार बन रही है राजस्थान में, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, फुल मेजोरिटी से बन रही है कांग्रेस की सरकार। विकास का एजेंडा लेकर के आप जनता के बीच में रहे और विकास के साथ साथ मतदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम करता हूं, करता रहा हूं और करता आगे भी करूंगा। कोटा का मतदाता साहब उत्तर का विकास को लगता है विकास के साथ जाएगा? कोटा का जो विकास हुआ है न केवल उत्तर में हुआ है, दक्षिण में भी हुआ है, लाडपुरा में भी हुआ है। अगर कोटा में 1800 करोड़ रुपया खर्च किया है तो दक्षिण में भी 1200 करोड़ रुपया खर्च किया है और लाडपुरा में भी 800 करोड़ रुपया खर्च किया है वहां पर विकास के कामों को लेकर के। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई विकास की मांग ही नहीं है कि साहब अब ये काम कर दो, लेकिन फिर भी रख रखाव तो जरूरी होता है। एक सड़क अपन बनाते हैं तो वो 3 साल या 4 साल में टूटती है, वापस बनाना पड़ता है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ही है। आप देश का जो सबसे ज्यादा महंगा इलाका है बम्बई का नरीमन पॉइंट, वहां पर भी आप चले जाओगे तो वहां के लोगों से आप पूछोगे तो वो भी बता देंगे कि ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये काम रह गया। तो विकास की मांग हमेशा चलती रहती है। तो जो इस बात पे ध्यान देना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, वो विकास के कामों में कहीं कोई रुकावट न लाके उनको मंजूर करवा करके लोगों को जो है सुविधाएं उपलब्ध करावे। कितनी सीटें राजस्थान, कितनी सीटों की उम्मीद करें, कितनी सीटों की उम्मीद करें? मैं कह रहा हूँ आपसे, मेजोरिटी आराम से मेजोरिटी आ रही है कांग्रेस की पूरे राजस्थान में। से आप शांति धारीवाल को सुन रहे थे, सीधे उन्होंने कहा कि फुल मेजोरिटी के साथ इस बार कांग्रेस जीत रही है
रीति और रिवाज में अगर देखा जाए तो रिवाज बदल रहा है लेकिन राज नहीं बदल रहा है, रीति नहीं बदल रही है। बड़ी बातें शांति धारीवाल से कही गई है की तरफ से, कोटा उत्तर से इस बार प्रत्याशी है। कोटा की बात करें जो 6 विधानसभा सीटें हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोटा उत्तर का विकास किया गया है तो कोटा दक्षिण का भी विकास किया गया है। तो ये बातें बड़ी बातें कही गई है लेकिन इस बीच में आपको हम अभी तक जितने वोट कास्ट परसेंटेज हुए हैं वो भी जिले वाइज आपको बताते चले कि कितना मतदान कहां हो चुका है। अभी तक सुबह 7 बजे से झुंझुनू में 10.22% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात कर ले जोधपुर की तो जोधपुर में आपको मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहा है 9.0 से ऊपर वहां पर मतदान हुआ है। तो ये मतदान की अभी तक वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं 199 सीटों पर किन किन जिलों में कितने मतदान हुए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक 9.22% ओवरऑल जो परसेंटेज निकल कर आया था कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपको बता रहे हैं हो गया है, क्योंकि दिन लगातार जैसे चल रहा है वो वैसे ही वोटिंग परसेंट भी बढ़ रहा है। अब ये देखना है ममता कि 2018 में 74% वोटिंग कास्ट परसेंट था, इस बार क्या राजस्थान की जनता, क्योंकि इस बार मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, नए मतदाता भी निकले हैं और लगभग 50 लाख से ऊपर इस बार नए मतदाता है जिसमें 22 लाख सिर्फ युवा मतदाता नए ऐड हुए हैं। तो क्या इस बार